नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशिका गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी मोदी न्यूज चौबे हूँ, प्रदेश सचिव एनसीआई से हूँ और 2017 में प्रशिक्षु हूँ। असल में क्या है कि सरकार रोजगार के नाम पर, नई नई भर्तियों के नाम पर छात्रों को झुंझुना पकड़ाने का काम कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती को जिस तरीके से अटकाकर कोर्ट में फंसा दिया गया, उसी तरीके से नई शिक्षक भर्ती को 69,000 का हवाला देते हुए वो निकालने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 5 सालों में तमाम शिक्षक सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उनके पदों पर कोई नई वैकेंसी लाने का काम नहीं किया गया। जो भर्ती हो रही है इस समय, गतवान भर्तियाँ हैं, तो शिक्षा मित्रों का समायोजन जो रद्द हुआ उस पर हो रही है। नहीं, सरकार इसका पूरा क्रेडिट खुद लेना चाह रही है। हम लोग की एक ही मांग है कि जितना जी शीघ्र हो सके, हम लोग पूरा एक वर्ष बीत गया है, हम लोग टेट सीटेट पास करे बैठे हुए हैं, हम लोग नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, मानसिक आर्थिक रूप से परेशान है, लेकिन सरकार नई भर्ती नहीं देने का काम कर रही है। तो हम लोग की यही मांग है कि सरकार जितना शीघ्र हो सके नई शिक्षक भर्ती दे, ताकि हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री महोदय को संबंधित ज्ञापन डीएम साहब को सौंपने आए थे, लेकिन किसी कारण में डीएम साहब नहीं है, तो प्रशासनिक अधिकारी को हम लोगों ज्ञापन सौंपा है, और मुख्यमंत्री को ज्ञापन है तो वहीं से कुछ हम लोगों को मिलेगा।